यह सेवाग्राम का मेन रोड है जो वर्धा की तरफ जाता है, और इसके सामने हमारा कॉलेज यानी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज MGIMS एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल का यह मेन गेट है। मेन गेट से सीधा अंदर जाने पर एक चौराहा आता है, जिस चौराहे से राइट की तरफ के दो रास्ते एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्पिटल की तरफ, सामने का रास्ता जे ब्लॉक और ऑडिटोरियम की तरफ, और लेफ्ट का रास्ता हॉस्टल कॉम्प्लेक्स और मेस की तरफ जाता है। चौराहे से राइट जाने पर हम एकेडमिक ब्लॉक के पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक दिखाऊंगा। तो अब हम लोग हमारे कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह हमारे कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक है। यह हमारे एकेडमिक ब्लॉक का मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से सीधा अंदर जाने पर लेफ्ट साइड में हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स लगे हुए हैं, और राइट साइड में फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। अब मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर के तीनों डिपार्टमेंट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री दिखाऊंगा। अभी हम लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट के पास आ चुके हैं। हमारे कॉलेज का एनाटॉमी डिपार्टमेंट काफी खूबसूरत और वेल इक्विप्ड है। ये हमारे कॉलेज का न्यूली बिल्ट एनाटॉमी लेक्चर हॉल है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की तीनों सब्जेक्ट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स होते हैं, और ये पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। अब हम लोग एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कॉलेज का एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल काफी बड़ा है। यहाँ पर हर 25 बच्चों पर एक कैडेवर है। डिसेक्शन हॉल में हम एनाटॉमी पढ़ने का रियल टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं, और यहाँ से हमारी काफी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर के जूनियर्स डिसेक्शन हॉल में आते हुए, और हमारे कॉलेज में हर वीक 2 से 3 डिसेक्शन के लेक्चर्स होते हैं, जहाँ पे हम स्पेसिमेंस और कैडेवर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डिसेक्शन में एनाटॉमी को थ्योरी के अलावा कैडेवर पे पढ़ना काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। अभी हमारे कॉलेज में नए बैचेस के लिए एक वर्चुअल डिसेक्शन रूम भी इस्टेब्लिश किया गया है, जो पूरी तरीके से फंक्शनल हो चुका है। अब हम लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट के म्यूजियम में आ चुके हैं। एनाटॉमी डिपार्टमेंट का म्यूजियम वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्रीज है, और यहाँ पे स्पेसिमेंस और इम्ब्रियोलॉजी के मॉडल के कलेक्शंस रखे हुए हैं। यह हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट का डेमो रूम है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट से ऊपर जाने पर हम फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं। अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, जहां पर राइट साइड पर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, और लेफ्ट साइड पर थर्ड ईयर का सब्जेक्ट फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अब हम लोग फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेमाटोलॉजी लैब देखेंगे। यह हमारे फिजियो डिपार्टमेंट का हेमाटोलॉजी लैब है, जहां पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ब्लड फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। यह क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब है, जहां पर स्टूडेंट्स को डिफरेंट सिस्टम्स के क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिखाए जाते हैं, जो कि उनके फाइनल ईयर में काफी हेल्पफुल होता है और उनको मेडिकल प्रोफेशन का रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है। अब हम लोग फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लिनिकल लैब में पहुंच चुके हैं, वेयर वी हैव डिफरेंट वर्क स्टेशंस लाइक द सर्जरी वर्क स्टेशन, ऑब्स्टेट्रिक्स वर्क स्टेशन, CPR 1 एंड CPR 2। यह हमारे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्लीप फिजियोलॉजी लैब है, जहां पर स्लीप फिजियोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सेंट्रल इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी लैब। यह सेंट्रल इंडिया का पहला स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी लैब है, और यहां पर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द न्यूरोफिजियोलॉजी लैब, वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड ऑन द नर्व कंडक्शन। तो ये था हमारा पूरा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। लेफ्ट की तरफ का रास्ता हमें बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट और एनाटॉमी लेक्चर हॉल की तरफ लेकर जाता है। हमारे कॉलेज के बीचों बीच एक गार्डन है, जिसे हम कमला देसिकन उद्यान कहते हैं, जो कि काफी खूबसूरत है। अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुके हैं।
अब मैं आपको मेरे सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। यह हमारे कॉलेज का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। अब हम लोग पैथोलॉजी लेक्चर हॉल की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अवर पैथोलॉजी लेक्चर हॉल। यहाँ पर सेकेंड ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स होते हैं। यह भी काफी बड़ा है और फुल्ली एयर कंडीशन्ड है। दिस इज अवर पैथोलॉजी प्रैक्टिकल हॉल। यहाँ पर हम वीक में दो दिन प्रैक्टिकल्स करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे पैथोलॉजी के स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे कॉलेज का पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। अब मैं आप सभी को हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी दिखाऊंगा, जो कि मुझे पर्सनली एकेडमिक ब्लॉक का बेस्ट पार्ट लगता है। यह हमारे लाइब्रेरी के बाहर का एरिया है और सीढ़ियों से ऊपर जाने पर हम लाइब्रेरी के पास पहुंचते हैं। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी है। अब हम लोग लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं। हमारी कॉलेज का लाइब्रेरी काफी बड़ा और खूबसूरत है और यहाँ पढ़ाई करने का माहौल भी काफी अच्छा रहता है। हमारी लाइब्रेरी में MBBS स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सीनियर रेसिडेंट्स और प्रोफेसर सभी पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर MBBS की बुक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स और सुपर स्पेशलिटी की सभी बुक्स को मिलाकर टोटल 31,654 बुक्स का कलेक्शन है और हमारी लाइब्रेरी की सीटिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। हमारे लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर लैब है जहां स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और इन कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में थोड़ा अंदर जाने पर हम डिस्कशन रूम के पास पहुंचते हैं। वीडियो के राइट साइड में आप डिस्कशन रूम को देख सकते हैं। लाइब्रेरी की एंड में थेसिस बुक्स की कलेक्शन रखी हुई है और सामने टॉयलेट है। हमारे लाइब्रेरी में एक कैंटीन भी है जो कोविड के पहले फंक्शनल हुआ करता था, पर अब इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। चौराहे के सामने का रास्ता जे ब्लॉक, एलुमनाई ब्लॉक और ऑडिटोरियम की तरफ जाता है। उससे पहले एक ट्रायंगल आता है जिससे राइट का रास्ता हॉस्पिटल की तरफ और लेफ्ट की तरफ MCH कैंटीन है। इस MCH कैंटीन को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और पेशेंट्स यूज करते हैं। MCH कैंटीन से आगे बढ़ने पर लेफ्ट की तरफ मैरिट PG बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ मैरिट PG बिल्डिंग को। अब हम लोग फर्स्ट ईयर के बॉयज हॉस्टल के पास पहुंच चुके हैं, जिसे हम जे ब्लॉक कहते हैं। MGIMS में फर्स्ट ईयर में बॉयज को जे ब्लॉक में रहना होता है और फिर अगले साल से उनको दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी ये है कि हमारा कॉलेज वो इंडिया के सिलेक्टेड कॉलेजेस में से एक है जहां पर स्टूडेंट्स को सिंगल रूम दिया जाता है। जे ब्लॉक के सामने की बिल्डिंग को हम न्यू PG कहते हैं और जे ब्लॉक के सामने का रास्ता ऑडिटोरियम की तरफ जाता है। अब हम लोग फर्स्ट ईयर के बॉयज हॉस्टल, जिसे हम जे ब्लॉक कहते हैं, उसे देखेंगे, जहां पर स्टूडेंट्स को एक सिंगल रूम दिया जाता है और हर रूम से एक बालकनी अटैच्ड है। अब हम लोग जे ब्लॉक के प्रमाइसेस के अंदर आ चुके हैं और यह जे ब्लॉक का मेन एंट्रेंस है। जे ब्लॉक में टोटल 3 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 16 रूम्स हैं और हर फ्लोर पर एक कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पे आप वाटर कूलर को भी देख सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के कॉमन वॉशरूम में आ चुके हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन भी दिया गया है।
जे ब्लॉक की बालकनी से आप यह व्यू देख सकते हैं जो कि काफी खूबसूरत है। यह दूसरी एक बालकनी से व्यू है जिसमें ऑडिटोरियम रोड दिख रहा है जो हमें MGIMS के ऑडिटोरियम की तरफ लेकर जाता है। अब हम लोग जे ब्लॉक के एक रूम में चलते हैं और देखते हैं वह कैसा दिखता है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को एक चेयर, एक टेबल, एक बेड और एक अलमीरा दिया जाता है। यह उस बालकनी से आप व्यू देख सकते हैं। बारिश के मौसम में सेवाग्राम काफी खूबसूरत लगता है और काफी हरा भरा रहता है। यह उसी जे ब्लॉक का एक दूसरा रूम है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि MGIMS में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हर बच्चे को एक सिंगल रूम दिया जाता है। जे ब्लॉक से आगे बढ़कर अब हम एलुमनाई ब्लॉक्स की तरफ आ गए हैं। हमारे कॉलेज में दो एलुमनाई ब्लॉक्स हैं। एक एलुमनाई ब्लॉक में PGs रहते हैं और उसके सामने वाला एलुमनाई ब्लॉक इंटर्न्स को दिया जाता है। तो जब आप लोग इंटर्नशिप में आ जाएंगे तो आपको ये ब्लॉक मिलेगा। यह ब्लॉक भी बिल्कुल जे ब्लॉक की तरह है। यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में 16 रूम हैं और हर रूम से एक बालकनी अटैच्ड है। अब हम लोग एलुमनाई ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। यह ब्लॉक बिल्कुल नया है और कुछ साल पहले बनाया गया है। यह आप एलुमनाई ब्लॉक की छत पे से सुंदर नजारा देख सकते हैं। क्योंकि अभी सेवाग्राम में बारिश का मौसम है तो कैंपस के चारों तरफ काफी हरियाली है। यह हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम है जो कि काफी बड़ा और खूबसूरत है। यहाँ पर हमारे कॉलेज के कई सारे इवेंट्स जैसे कि एनुअल फेस्ट या गैदरिंग होते हैं जिनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह छत के ऊपर का व्यू है। ऑडिटोरियम बिल्डिंग के अंदर दो क्लासरूम्स बने हुए हैं जिसमें थर्ड ईयर की क्लासेस लगती हैं। आगे बढ़ने पर आप ये दो क्लासरूम देख सकते हैं, क्लासरूम 1 एंड क्लासरूम 2 जिनमें थर्ड ईयर की क्लासेस लगती हैं। यह हमारे कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें 3 हेलीपैड भी बने हुए हैं। ICH कैंटीन से आगे बढ़ने के बाद हम JN बॉयज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंचते हैं जहां पर सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के बॉयज रहते हैं। सबसे पहला ब्लॉक ए ब्लॉक है जहां पर मेरा बैच यानी 2021 बैच रहता है और उसके सामने ये बाइक की पार्किंग है। तो चलिए मैं आप सबको अब ए ब्लॉक दिखाता हूँ। तो ये हमारा ए ब्लॉक है जिसमें 2 फ्लोर है और यहाँ पे मेरा बैच 2021 बैच रहता है। यहाँ भी काफी ग्रीनरी है। यह एक रूम है, यहाँ पे भी सारी चीजें सेम दी जाती है जो आपको जे ब्लॉक में मिलती है, बस यहाँ पे बालकनी नहीं है। यह हमारे ए ब्लॉक का हर फ्लोर का कॉमन वॉशरूम है। ए ब्लॉक से आगे बढ़ने के बाद हम बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक की तरफ पहुंचते हैं। सामने रेड कलर की बिल्डिंग जो दिख रही है वो हमारे कॉलेज का बॉयज मेस है। इस मेस में सारे MBBS के UG स्टूडेंट्स और PGs यहाँ पे लंच और डिनर करते हैं। मेस के सामने का एरिया वॉलीबॉल कोर्ट है। यहाँ पे वॉलीबॉल और उसके अलावा गणेश फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब हम मेस के अंदर आ चुके हैं। यह हमारे बॉयज हॉस्टल का मेस है। हमारे मेस में एक टेबल टेनिस का बोर्ड भी लगा हुआ है। मेस से आगे बढ़ने पे हम डी ब्लॉक पहुंचते हैं जहां 2019 बैच रहता है। उससे कुछ दूर और आगे बढ़ने पे हम आई ब्लॉक पहुंचते हैं।
आई ब्लॉक में फिलहाल 2018 बैच रहता है। दोस्तों अब मैं आपको हमारे कॉलेज का बॉयज़ जिम दिखाता हूँ। हमारे कॉलेज का बॉयज़ जिम बॉयज़ मेस के पास है और यह जिम मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है और संडे क्लोज रहता है। हमारे कॉलेज का बॉयज़ जिम काफ़ी बड़ा और वेल इक्विप्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे 20 बैच के सीनियर्स वर्कआउट करते हुए। ये मेरा बैचमेट, इसे भी नया नया जिम करने का मोटिवेशन आया है। दोस्तों अब मैं आपको हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल दिखाऊंगा। चौराहे से राइट का रास्ता हॉस्पिटल की ओर जाता है। हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल का नाम कस्तूरबा हॉस्पिटल है। यह वीडियो मैंने संडे को बनाई है और संडे को हमारे हॉस्पिटल की जीओपीडी सेवाएं और सारे डिपार्टमेंट्स की ओपीडी सेवाएं बंद रहती है और केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहती है, इसलिए वीडियो में आपको पेशेंट की भीड़ काफी कम दिखेगी। बट हमारे कॉलेज का पेशेंट लोड वीकडेज पर काफी ज्यादा रहता है। कस्तूरबा हॉस्पिटल में साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग कस्तूरबा हॉस्पिटल के इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में पहुंच चुके हैं। यह इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर के अंदर का एरिया है। राइट साइड पर ट्रॉमा ऑर्थो वार्ड है और आगे जाने पर ऑर्थोपेडिक्स वार्ड आता है जो कि संडे होने के कारण आज बंद है। अब हम लोग कस्तूरबा हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप के पास पहुंच चुके हैं। यहां पर पेशेंट्स को दवाइयां काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे एक ऑर्थो के पीजी सर पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। यह हमारे कॉलेज का मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो कि 3 फ्लोर का है और काफी वेल इक्विप्ड है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में अंदर जाने पर राइट साइड पर मेडिसिन ओपीडी आता है। मेडिसिन डिपार्टमेंट से थोड़ा आगे बढ़ने पर हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर विंग की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। इसके सामने का रास्ता हमें सेंटर फॉर पैलिटिव केयर एंड रेडियोथेरेपी की तरफ लेकर जाता है। हमारे कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी काफी हरियाली है। यहां से भी हम ऑडिटोरियम रोड का व्यू देख सकते हैं। सामने हम ऑडिटोरियम रोड को देख सकते हैं। अब हम लोग सेंटर फॉर पैलिटिव केयर एंड रेडियोथेरेपी के पास पहुंच चुके हैं और यह उसकी बिल्डिंग है। अब हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस में जाएंगे। यह हमारे कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस है। यहाँ पर पेशेंट्स एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन कराने को आते हैं। यह हमारे कॉलेज का मेल मेडिसिन वार्ड है। एकेडमिक ब्लॉक के सामने का रास्ता हमें हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाता है। इस रास्ते में मॉर्चुरी भी है। सामने जो बिल्डिंग है उसे हम अतिथि गृह कहते हैं, जहां पर पेशेंट्स के रिलेटिव रुकते हैं। लाइब्रेरी के सामने की बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, तो आप सामने डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री को भी देख सकते हैं।
यह वीडियो कस्तूरबा हॉस्पिटल के वीकडेज की वीडियो है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट लोड काफी ज्यादा रहता है।